पल वन देखिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स वन बाई रूट टू हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लेट साइन इनवर्स वन बाई रूट टू को हमने मान लिया थीटा और जो साइन इनवर्स है उसको इधर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा आपका साइन ठीटा और यहां बचा वन बाई रूट टू अब जरा आप एक ऐसी वैल्यू सोचिए जिस पर जो साइन है वो वन बाई रूट टू होता है पाई बाई फोर पर। तो यहां से आप इसे लिख सकते हो वन बाई रूट टू को साइन पाई बाई फोर अब यहां से इन एंगल्स की जो साइन वैल्यू है वो इक्वल है तो यहां से हम कह सकते हैं कि ठीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर यानी कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे आई रिपीट माई वर्ड्स कि अगर इन दोनों एंगल्स की साइन वैल्यू इक्वल है तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे थीटा बराबर है इसके तो साइन इनवर्स वन बाई रूट टू को सॉल्व करने पर वैल्यू आई है पाई बाई फोर और आप चेक करो कि क्या ये साइन की प्रिंसिपल वैल्यू से के बीच में है तो डेफिनेटली रेंज के अंदर है प्रिंसिपल रेंज के अंदर है तभी आप इसे क्या कहोगे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहोगे मतलब जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होनी चाहिए